बाड़मेर में आईपीएस पंकज चौधरी की बर्खास्तगी का आदेश रद्द होने पर सरहदी बाड़मेर में उनके प्रशंसकों ने केक काटकर अपनी खुशी का इजहार किया। उनके प्रशंसकों ने पटाखे फोड़कर इस खास दिन की खुशियां मनाई। बाड़मेर के महावीर पार्क में उनके समर्थकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मिठाकर खुशी जताई। बाड़मेर में आईपीएस पंकज चौधरी की बर्खास्तगी का आदेश रद्द होने पर सरहदी बाड़मेर में उनके प्रशंसकों ने केक काटकर अपनी खुशियों का इजहार किया। उनके प्रशंसकों ने पटाखे फोड़कर इस खास दिन की खुशियां मनाई। सरहदी बाड़मेर के महावीर पार्क में उनके समर्थकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी जताई। मानवाधिकार कार्यकर्ता जोगराज सिंह के नेतृत्व में 3 दर्जन के करीब लोगों ने दिल्ली न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। आपको बता दें कि कैट की प्रधान पीठ ने राजस्थान कैडर के 2009 बैच के आईपीएस पंकज चौधरी की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है। पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चौधरी को 2019 में बर्खास्त किया था। कैट ने केंद्र के फैसले को गलत माना है। केंद्र का तर्क था कि बिना तलाक दूसरी शादी करना अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के नियम 3(1) का उल्लंघन है और इन नियमों के उल्लंघन पर अफसर की बर्खास्तगी का प्रावधान है। इस फैसले के खिलाफ चौधरी ने कैट में अपील दायर की थी कि उनकी दलील थी कि केंद्र सरकार ने उन्हें सेवा से बर्खास्त करने के लिए जो आधार लिया है वो गलत है। आईपीएस पंकज चौधरी को जो कुछ लंबे समय से निलंबित चल रहे थे सरकार के द्वारा निलंबित किया गया था, कल ही न्यायालय दिल्ली ने उनको बहाली का आदेश दिया है और उन्होंने लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे थे सरकार और इस सिस्टम के विरुद्ध में। उनकी लड़ाई थी भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, जो अपने पद पर जब से आए थे उसको लेकर अभी तक वो चल रहे थे, लेकिन उस दरमियान उनके सामने कई विपरीत परिस्थितियाँ आई। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने कानून पर भरोसा रखा, उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा रखा, जिसका परिणाम लंबे समय के बाद हमें कल देखने को मिला। आपको बता दें कि दूसरी शादी करने के मामले में चौधरी के खिलाफ राज्य सरकार ने विस्तृत चार्जशीट केंद्र को भिजवाई थी, जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 जुलाई 2018 को यूपीएससी को रिपोर्ट भिजवाई। यूपीएससी ने 5 नवंबर 2018 को केंद्र को लिखे पत्र में आईपीएस पंकज चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने बर्खास्तगी की कार्रवाई की थी। हालांकि पंकज चौधरी ने भी गृह मंत्रालय में अपना पक्ष रखा था, लेकिन उसे सही नहीं माना था।